ये देखिए पांडव फॉल पन्ना टाइगर रिजर्व लिखा है, जलकुंड में मछलियों को खाना न डालें। कल है तो कल है, पानी गंदा न करें, नहाना और कपड़े धोना सख्त मना है। पांडव फॉल में नहाना और कपड़े धोना सख्त मना है। एक बोर्ड ये भी लगा है महत्वपूर्ण, इधर खुले में पेशाब और शौच करना सख्त मना है, जुर्माना 1000 रुपये। ये देखिए पांडव फॉल आपको दिखाते हैं। बरसात कम हुई है इसलिए पानी कम है, उतना झरना तेज नहीं गिर रहा है, ये नहीं तो ये इतना जबरदस्त गिरता है कि इसके सामने इतनी दूर पे खड़े होने पर भाप गिरती है, बिल्कुल धुआं सा हो जाता है। पर इस बार अभी बारिश ना होने की वजह से सब ऐसा ही है। ये पांडव फॉल में कूड़ा फेंकने के लिए इस तरह से नेचुरल वो बनाए गए हैं, देखिए ये गड्ढे टाइप के, यहाँ डस्टबिन इसी को कहिए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी डालने के लिए है ये। इसमें देखिए गंदगी लेटे लेटे सब कुछ पड़ी हुई है, मतलब बाहर कोई कहीं कुछ ना फेंके, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और पूरा क्षेत्र ये प्रतिबंधित है क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इसमें टाइगर रहते हैं। इस समय कितने टाइगर हैं ये तो नहीं पता है, पर जंगली जानवर यहाँ काफ़ी हैं। ये पूरा एरिया है, इसको हमने आज आपको दिखाया। और देखिए अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, थोड़ा झरना दिख रहा है। ये जो चट्टानों की बात थी कि कुछ स्पेशल चट्टानें हैं, वो यही है। ये देखिए ये चट्टान है, ये जो कुछ अलग तरह की चट्टानें हैं इनके बारे में ऊपर लिखा हुआ है, तो थोड़ा हमने बताया भी था, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए यहाँ एक गाइड हैं, हम को मिले हैं धर्मेंद्र जी, उनसे थोड़ा हम बात करते हैं इन चट्टानों के बारे में, थोड़ा बताएंगे। नमस्कार धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र राय है, मैं अच्छा गाइड का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये आपने इन चट्टानों के बारे में जो पूछा है सर, तो ये जो आप रॉक देख रहे हैं, हाँ हाँ, सेडिमेंट्री रॉक है सर। सेडिमेंट्री रॉक, अच्छा। रॉक क्या है सर, तीन प्रकार के होते हैं। हाँ हाँ हाँ। सेडिमेंट्री होता है जिसे हिंदी में अवसादी चट्टाने बोलते हैं। अच्छा अच्छा। एक इग्नियस रॉक होता है जिसे आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, ज्वालामुखी के माध्यम से तैयार होती है। हाँ हाँ। तीसरा होता है सर मेटामॉर्फिक, अच्छा अच्छा, हिंदी में कायंतरित चट्टाने बोलते हैं। हाँ हाँ। अभी प्रेजेंट में पांडव फॉल में जो रॉक आप देख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक है। एक सेकंड बताइए आप, बताइए। सेडिमेंट्री रॉक होता है सर, हाँ हाँ, इसमें लेयर्स होते हैं। अच्छा अच्छा। परतें होती हैं। हाँ हाँ। और इसमें स्टोन काफी होते हैं। अच्छा। जैसे कि सैलस्टोन है, सैंडस्टोन है। ये और कहीं नहीं पाई जाती क्या? जी सर, ये केवल यहीं पाई जाती है क्या? विंध्याचल माउंटेन जो है। हाँ हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल पर्वतों के बीचों बीच खड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। तो सेडिमेंट्री में क्या होता है सर, इसमें रॉक मतलब स्टोन काफी होते हैं, जैसे कि सैलस्टोन है, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, लाइमस्टोन है। जबकि ये देखें आप, ये लाइमस्टोन है। अच्छा, इसकी उपयोगिता क्या है? चूना पत्थर है सर, चूना पत्थर। अच्छा अच्छा। होता क्या है सर, एक तो लेयर्स होते हैं, दूसरा इसमें अंदर की तरफ होल टाइप के होते हैं, जैसे दिख रहे हैं। होलों की वजह से क्या होता है सर, जब बरसात होती है ना, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। अच्छा, सूख लेता है पानी, साल उसे ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। झरना आपने देखा है ना? हाँ हाँ, ऊपर से पानी, हाँ पानी गिर रहा है, वो अंडरग्राउंड स्प्रिंग वाटर है। अच्छा, स्प्रिंग वाटर, बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर आता है। अच्छा अच्छा। पानी सर लाइम स्टोन से जहाँ भी आता है वो नेचुरल फिल्टर होकर आता है। क्या बात है, तो अच्छी जानकारी। फॉरेस्ट है तो काफी जड़ी बूटियों से होकर आ रहा है, जिसकी वजह से मिनरल्स है उसमें, और वो पानी पाचन शक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। एक तो वो लेफ्ट टेस्टेड है, दूसरे स्थानीय लोगों का दावा है। अच्छा। और इस प्लेस के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। हाँ हाँ। इस प्लेस का नाम सर पांडव फॉल, वो तो मालूम है, वो तो पता है, वो तो पता।